हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल आपके अपने चैनल बीएस मैथ्स में। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, आप बहुत ध्यान से समझेंगे इस चैप्टर को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए। 4 और 6 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलते हैं। एंड डियर स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है आपका, ये आपको 11th में भी मिलता है, तो यहाँ से आपका बेस इस चैप्टर के लिए कंप्लीट होगा। ओके, तो आप ध्यान से देखें, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखें इस चैप्टर को आप, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। Dear friends, in a mathematics, if we talk about arithmetic progression and the mean of arithmetic progression, so please concentrate the definition. In mathematics, and arithmetic progression और इसी को arithmetic sequence भी कहते हैं, और arithmetic sequence in a mathematics an arithmetic progression or arithmetic sequence is a sequence of sequence of number such that the difference between the consecutive numbers or consecutive terms is कॉन्स्टेंट। आप समझिए इस बात को, इन अ मैथमेटिक्स मीन्स मैथमेटिक्स में एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक समांतर श्रेणी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कॉन्स्टेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने इसमें देखा कि इसकी डेफिनेशन हमें ये बताती है कि ये एक नंबर्स का अरेंजमेंट होता है, एक सीरीज होती है इसमें, जिसमें कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को लेने पर उनके बीच का अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो वो हमेशा हमें कांस्टेंट देता है, मीन्स कांस्टेंट नंबर ही रहता है। जैसे मैं बात करूँ 2, 4, 6, 8, 10 और 1, 2, 3, 4, 5 मीन्स जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, और मैं -2, -4, -6, -8 ऐसे बात करूं, तो यहाँ पर आप किसी भी कंसेक्यूटिव टू टर्म्स को अगर लेंगे, कंसेक्यूटिव टर्म्स को ले लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए बीच से, और उनके बीच का डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि वो कांस्टेंट है। ओके, फॉर एग्जांपल बताने की कोशिश करता हूँ, देखें आप, फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10 एंड इसी तरह से आप बहुत आगे तक इसको दिखा सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास सीरीज का फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये 8 है, ये 10 है, ये 8 है, ये 10 है, और इस तरह से सीक्वेंस चल रहा है, इस तरह से ये सीक्वेंस चल रहा है। अब इस सीक्वेंस में देखते हैं कि जो दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स होते हैं, मीन्स कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स हैं, तो इनके बीच का अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो हमारे पास 2 आया, यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास 2 आया, यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर हमारे
यहां पर देखो तो d इज इक्वल टू आया, मींस ये एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें जो नंबर्स होते हैं तो उनमें किन्हीं भी कंसेक्यूटिव टर्म्स को कहीं से भी उठा लें तो डिफरेंस आपका कांस्टेंट रहेगा। तो ये आपकी पहली बात है इस चैप्टर के लिए कि सबसे पहले आप ये समझें कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नंबर्स की एक ऐसी सीरीज को रिप्रेजेंट करता है जिनमें किन्हीं भी दो लगातार नंबर्स को उठा लिया जाए और उनके बीच का डिफरेंस को चेक किया जाए तो हमेशा आपको बराबर मिलेगा। ओके सो डियर स्टूडेंट्स, इसी से हमें और आगे जाने के लिए कई चीजें निकल के आ जाएंगी। देखेंगे आप कि आपने देखा कि हमारे पास में ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, इन नंबर्स में अगर हम गौर से देखें, बहुत ध्यान से देखें, तो ये जो टू है ना, ये आपको पहला नंबर नजर आएगा। तो इस पहले नंबर को हम A1 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? A1। और ये जो आपका 4 है, ये आपका क्या होगा? A2। इसी तरह से 6 क्या होगा आपका? A3। इसी तरह से आपका जो 8 है, ये क्या होगा? A4। इसी तरह से 8 क्या होगा? A5। और इसी तरह से चलता जाएगा। तो ये कहां तक चलेगा? A1 से शुरू हुआ, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया। तो ऐसे हम कहां तक जा सकते हैं? ऐसे हम यहां पर AM तक जा सकते हैं। ऐसे ऐसे करके कहां तक जा सकते हैं भैया? AM तक जा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसी सीरीज को अगर बहुत ही ध्यान से देखें तो यहां से देखो कौन कौन से टर्म आपको मिल सकते हैं। आप ध्यान से देखिएगा कि जो आपके पास में 2 लिखा हुआ है उसको, वो तो 2 है आपका, लेकिन अगर यहाँ पे अगले टर्म को देखें 4 को, तो 4 को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 2+2। और अगर हम 6 को देखें तो कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 2+2×2। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आगे आप देखिए फिर से, अगला टर्म देखें तो 2+2×3, अगला टर्म देखें 2+2×4। इस तरह से आप बहुत सारे नंबर ऑफ टर्म्स दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे जो राइट किया गया है वही नंबर यहाँ पे राइट किया गया है, लेकिन अब आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर A1 आपका कितना है? 2। तो यहाँ पर आपका A1 हो गया, और A1 को फर्स्ट टर्म को हम A सिर्फ कहते हैं, सिर्फ A से कह सकते हैं। तो ये तो आपका A हो गया। आप देखिए कि D आपका 2 है, तो जब D 2 है तो A भी 2 है और D भी 2 है, मींस 2 A भी है, 2 D भी है। तो यहाँ पर आप इसको A, ये 2 तो A का हो गया, और जो अगला 2 है उसको हम कह सकते हैं D, तो प्लस D। तो दूसरा टर्म आया A+D। एंड अगर तीसरे टर्म की बात करूं तो आप देखिए कि ये तो आपके पास A था, प्लस 2 है ये, और इस 2 को हम D कह सकते हैं। तो इस तरह से एक सीक्वेंस आपको चलेगा जिसको हम जनरल सीरीज के नाम से जानेंगे, A+D A+2D, और इसी तरह से आगे चलेंगे। डिफरेंस 2 प्लस, यहां पर देखें आपके पास में ये 3 है, और ये इसको हम D कह सकते हैं क्योंकि D की वैल्यू भी 2 है। D की वैल्यू हमेशा हर जगह सेम आ रही है, और A आपका बाहर रहेगा। तो फिर 1 2 3 4 5 जो जाएगा ये मल्टीपल होंगे कॉमन डिफरेंस D के। तो यहां पर देखें इसको हम 3D कह सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम 3D कह सकते हैं। आप आगे देखें, इसको हम 4 पहले कर दे रहे हैं, इसको हम यहां पे कर दे रहे हैं, तो ये आपका A हुआ प्लस आपका 4D हुआ। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अब आप बहुत ध्यान से देखें तो आपको एक चीज और नजर आएगी कि आप देखें कि जो हमारा फर्स्ट टर्म था A1, तो रूट का हमारा A है, मींस 2 है। जो दूसरा टर्म है उसको हम A2 कह सकते हैं, जो तीसरा टर्म है उसको हम A3 कह सकते हैं, और जो चौथा टर्म है उसको हम A4 कह सकते हैं। जो हमारा यहाँ पर पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, और जो हमारा पांचवा टर्म है उसको हम A+4D कह सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, बात आती है कि ऐसे इन टर्म को हम कहाँ तक दे सकते हैं, इन टर्म को कहाँ तक लिखा जा सकता है। तो आप बहुत ध्यान से देखिए इसमें कि पहला टर्म था A1 को A था, जो दूसरा टर्म A2 था तो यहाँ पे D था, मतलब जब यहाँ पे 2 होता है तो D का जो मल्टीपल है वो 1 होता है, कोएफिशिएंट 1। जब यहाँ पे 3 होता है तो यहाँ पे D का मल्टीपल कितना होता है? 2। जब यहाँ पर A4 करते हैं, मींस यहाँ पर 4 होता है, तो D का मल्टीपल कितना होता है? 3। जब यहाँ पर A5 होता है तो D का मल्टीपल कितना होता है? 4। इट मीन्स इज दैट क्लियर कि यहाँ पर जब हम लास्ट वाले टर्म में जाएंगे तो जो हमारा nth टर्म होगा, anth टर्म होगा, वहां पर D का जो कोएफिशिएंट होगा वो n से 1 कम होगा, मीन्स n माइनस होगा। सो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि
जो हमारा nth टर्म आएगा मींस an आएगा वो क्या होगा a प्लस n में एक कम मींस इसमें 1 माइनस हर जगह आप देख रहे हैं तो यहां पे हो जाएगा n माइनस 1 इनटू d। तो इस तरह से ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला भी बन के आता है एक ही में कि यदि हमारे पास कोई सीरीज है और उस सीरीज के तीन चार टर्म दिए गए हैं मैक्सिमम 3 टर्म्स अगर आपको दे दिए जाएं तो उन 3 टर्म से उससे आगे आने वाले आप किसी भी टर्म को इस फार्मूले की हेल्प से फाइंड आउट कर पाएंगे। ओके तो इसको हम ऐसे प्रूव भी करते हैं। ठीक है अब आप क्वेश्चंस देखें कि an क्या है। an को तो हम कहते हैं लास्ट टर्म ऑफ सीरीज या तो लास्ट टर्म ऑफ सीरीज हुआ। यहां पर a क्या है आपका फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज और ये जो d है ये क्या है कॉमन डिफरेंस। ये कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पर n क्या है आपका नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहां पर देखें सारी चीजें अलग अलग हमने आपको दिखा दी कि जो आपका an है वो लास्ट टर्म ऑफ सीरीज होगा जो भी सीक्वेंस चल रहा होगा और जो a है वो फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज होगा मींस पहला ही टर्म होगा a से रिप्रेजेंट करेंगे या आपके नंबर ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट करेगा और जो d है वो कॉमन डिफरेंस दिखाएगा जो आपने यहां से इसकी डेफिनेशन से सीखा। तो आई होप आपको ये एक भी बात समझ आई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स आप इसको जरूर नोट करें और चलते हैं आगे हम इसके डेफिनेशन भी लर्न कर रहे हैं। हालांकि एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है एग्जाम में डेफिनेशन नहीं आती है एग्जाम में तो क्वेश्चन आते हैं बट आप इस डेफिनेशन से इस चैप्टर का मीन समझ सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स तो अब यदि मैं बात करूं जनरल सीरीज की एपी की जनरल सीरीज ऑफ एपी ऑफ एन एपी मीन्स जो आपका आरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है उसको अगर हम जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हम कैसे करेंगे क्या लिखेंगे। तो यहां पर डियर स्टूडेंट्स आपके पास होगा ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी ए प्लस फोर डी एक्स वन ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे भाई ऐसे 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 करते जाएंगे तो कहीं पे तो ये रुकेगा कहीं पे तो रुकेंगे। तो हाँ जहां पर रुकेंगे वही आपका लास्ट टर्म होगा जिसको हम बोलेंगे फाइनली ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके डियर स्टूडेंट्स आप देखिए कि ये आपका फर्स्ट टर्म है जिसको ए वन बोलेंगे और यहां पर देखिए कि ये आपका लास्ट टर्म है जिसको हम ए एन बोलेंगे और बीच के बहुत सारे टर्म है। तो डियर स्टूडेंट्स जैसे आपसे कह दिया जाए मेरी बात को बहुत ध्यान से देखना कि बताइए फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी तो ए वन इज इक्वल टू आपसे कह दिया जाए सेकेंड टर्म बताओ क्या होगा तो सेकेंड टर्म आपको पता है कि जब यहाँ पे 2 होगा तो d का कोएफिशिएंट 1 होगा और जो a होता है वो बाहर होता है वो फर्स्ट टर्म मतलब वो इंडिविजुअल टर्म होता है तो a प्लस d होगा। ऐसे में कहते हैं थर्ड टर्म बताओ तो आप क्या लिखोगे a प्लस 2d डायरेक्ट बताओ। ठीक है अगर फार्मूले से बताना है तो आप देखिए यहीं पे फार्मूला लगाएंगे अगर तीसरा टर्म बताना है तो तीसरे टर्म के लिए a प्लस n की जगह 3 माइनस 1 इनटू d कर रहे होंगे तो a प्लस 2d दे देंगे। तो हम इसको डायरेक्टली अप्रोच में लाएंगे a प्लस 4 इज इक्वल a प्लस 3d। ऐसे हमने आपसे कह दिया मान लो आप बताइए a 100 टर्म बताइए कि 100 टर्म क्या होगा तो आपको क्या करना है a प्लस 99 एंड सिमिलरली हमने आपसे कह दिया आप बताइए 829 की टर्म बताइए क्या होगा अगर कोई सीरीज चल रही है तो आप जनरली कह सकते हैं कि सर ये होगा a प्लस 828 जो a के नीचे नंबर होता है तो वहां पर उससे हमें ये समझ आता है कि जो नंबर है उससे कम करके d का कोएफिशिएंट बना दो और a को इंडिविजुअल रखना है प्लस का साइन रखना है। तो इससे क्या होता है कि जो आपके क्वेश्चंस होंगे उनको आप जल्दी कर पाएंगे फास्ट कर पाएंगे अगर आप ये बात समझ लेते हैं। सपोज दैट हमने आपसे कहा फॉर एग्जांपल यहीं पे आप देखें कि एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं आपसे कह दूं कि आपके पास एक सीरीज होती है आपसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं यहां से फाइंड 25th टर्म ऑफ एन एपी
आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक सीरीज है आपके पास में, एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और सीक्वेंस चल रहा है कुछ इस तरह से, 2, 6, 10, 14 ऐसे करके डॉट डॉट जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि आप उसका 25th टर्म बताइए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यूज क्या होती है। अगर मैं इंपॉर्टेंट वैल्यूज की बात करूं तो इंपॉर्टेंट वैल्यूज आपके पास होती है ए और डी। अगर ए और डी है ना आपके पास, कुछ भी ए और डी अगर आप फाइंड कर लेते हैं तो आप एपी के हर एक क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो हमारा टारगेट होता है अपने क्वेश्चन में ए और डी को फाइंड आउट करने का, ठीक है। मैंने मोर क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपसे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ही पूछेगा, ठीक है। मैं आपको सीधे लेके आया हूँ सेकेंड एक्सरसाइज होती है, थर्ड एक्सरसाइज आपके एनसीईआरटी में। हालांकि अभी मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तो मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, ओके। तो आप पहले यहाँ पर देखिए, आज जो इंट्रोडक्शन आपको चल रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले हमने जब सॉल्व किया तो हमने क्या किया, हमने सीरीज लिखी, गिवन सीरीज, गिवन सीरीज, और सीरीज देखा कि हमारे पास क्या है 2, 6, 10, 14 एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे हमारी सीरीज चल रही है, ठीक है ना। तो फर्स्ट वी फाइंड ए, व्हाट्स ए, कॉमन कॉमन डिफरेंस तो बाद में करेंगे, पहले ए पता करो। तो जब हम ए को पता करेंगे, ये तो हमारे पास 2 है, ठीक। लेकिन कॉमन डिफरेंस कैसे पता करें, तो हमें जनरली तो पता चल रहा है कि भाई 2 और 6 के बीच का डिफरेंस आपने बताया 4, 6 एंड 10 के बीच का डिफरेंस आपने बताया 4, ठीक है, 10 एंड 14 के बीच का डिफरेंस आपने बताया 10 और 4। तो ये निकाला कैसे, क्वेश्चन यहां पे ये भी बन गया कि आपने इसको फाइंड कैसे किया, हाउ टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि आपको जैसा डेफिनेशन में बताया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स होते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट रहता है, मींस पिछले नंबर से हमेशा अगला नंबर माइनस करना है तो डिफरेंस मिलता है। जैसे ये आपका जो 2 है वो पहला नंबर था, 6 आपका दूसरा नंबर था, तो आप a2 माइनस a1 करें और a3 माइनस a2 करें और a4 माइनस a3 करें, ऐसा करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा सेम आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि हम कॉमन डिफरेंस को भी एक जनरल फार्मूला में करना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, कि जो आपका डिफरेंस कॉमन डिफरेंस है वो क्या हो सकता है कि जो लास्ट टर्म होगा उसमें सबसे पहला टर्म मीन्स उससे पहले का टर्म ए एन माइनस वन अगर करते हैं तो हमें क्या मिलता है डियर स्टूडेंट्स, कॉमन डिफरेंस मिलता है। अब एन की जगह आप 2 रख सकते हैं और 2 रख सकते हैं, तो देखो जो भी नंबर रखना चाहो, अगर आपने एन की जगह 2 रखा, ठीक है, एक चीज याद रखना है कि एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये कंडीशन भी है यहां पर कि एन की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा हो सकती है, हम यहाँ पे 1 नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे 1? जैसे भी हम 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस 1 तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 कोई टर्म नहीं होता, a1 फर्स्ट स्टार्टिंग हमारी a1 से होती है, ठीक है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम कॉमन डिफरेंस का जनरल फार्मूला फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ तो आपके पास आएगा an माइनस an माइनस 1, ओके। तो अब आप देखिए कि ये तो हमारे पास 2 है और अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है तो डियर स्टूडेंट्स 6 माइनस 2 करें तो कितना आएगा 4। तो ए और डी आ गया ना आपके पास। अब आपको कोई फार्मूला, ये जो मैंने फार्मूला बताया था आपको लास्ट वाला ए, अगर आप फार्मूला इसमें डाले तो देखो क्या करोगे, देयरफॉर ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इनटू डी, बट ए एन इज इक्वल आपको निकालना क्या है 25, तो एन की जगह पे आप 25 रखेंगे, मैं बता चुका हूं एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्म को, ए की जगह पे 2 रख दीजिए प्लस एन की जगह पे आप 25 रखिए, 25 माइनस 1, डी की जगह पे 4 रखिए। तो यहां पे देखिए ए 25 जो है आपका क्या रहा होगा 2, यहां पे 24 इनटू 4, 4 4 16, 4 2 819 एंड प्लस 2, तो ये आया आपका 98। एंड डिफरेंस को अगर हम डायरेक्ट करते तो हमें पता है कि 25th टर्म कह रहा है, यानी 25th को कैसे लिखेंगे, यहां पे आपने सीखा a प्लस
24 डी। फार्मूला नहीं याद है कोई जरूरत नहीं, फार्मूला नहीं याद है कोई जरूरत नहीं। आप देखिए कि यहां पर डायरेक्ट आप रखते हैं ए कितना था 2 प्लस ये 24 रखा और डी की वैल्यू 4 रख दी और इस तरह से कैलकुलेट किया तो भी कितना आया 90। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आप ये समझ गए होंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक सीक्वेंस। एग्जांपल बताया और एग्जांपल के तौर पे आपने जनरल सीरीज समझी कि जनरल फॉर्मेशन क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट करने का, और साथ ही साथ आपने वहीं से ये देखा कि अगर हमें सीरीज का कोई भी नंबर निकालना हो यंत्र टर्म तक का कोई भी नंबर दसवा बीसवा 2000 कोई भी एनीवन, तो उसको निकालने के लिए आप इसको फॉर्मलाइज कर सकते हो मींस एल इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इनटू डी व्हिच इज नोन एज द लास्ट टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। एंड हियर फ्रेंड्स इफ वी जनरलाइज द कॉमन डिफरेंस इज द गिवन सीक्वेंस देन यू राइट एन माइनस ए एन माइनस 1 इज इक्वल डी व्हिच रिप्रेजेंट दैट द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। ओके तो डियर फ्रेंड्स यदि आपको ये बात समझ आती है तो अब हम चलते हैं कुछ चीजें समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए बहुत ही इजी चैप्टर है, आपको बहुत ही मजा आ जाएगा। मैं एक एक क्वेश्चन करा दूंगा, पहले फर्स्ट तो मैं कराऊंगा आपका जो एनसीईआरटी है और आफ्टर दैट जो आपकी बुक अपने यहाँ चल रही है आर्यस अग्रवाल और या आरडी शर्मा जो भी है सारे क्वेश्चन करा दूंगा, बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में। ओके तो डियर फ्रेंड्स जैसे मान लो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन होता है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है पहला ही, मान लो दे दिया गया कि आपके पास में एक सीरीज होती है उस सीरीज का एंथ टर्म आपको दे दिया जाता है, उस सीरीज का डायरेक्ट एंथ टर्म दे दिया जाता है कुछ भी सीक्वेंस में। मान लो एन इज इक्वल दे दिया गया 5n+3 ऐसे, और आपसे कह दिया गया फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स, देन आप कैसे कर पाएंगे इसको? तो आप याद रखिएगा जो n होता है डियर फ्रेंड्स वो हमेशा कैपिटल n से बिलोंग करता है, मींस नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। नेचुरल नंबर का आप सेट समझते हैं क्या होता है, अगर नेचुरल नंबर के सेट की बात करूं तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड ऑर्डर सो ऑन इन्फिनिटी तक जा रहा होता है ना। तो n की जगह पे आप कुछ भी यहाँ पे देखिए कैपिटल n बिलोंग कर रहा है 1, 2, 3 से, तो अब इस n की वैल्यू को सीधे डायरेक्ट यहाँ पे रख दें तो n इज बिलोंग्स टू 1, 2, 3, 4, 5 से, इससे बिलोंग कर जाएगा। आपके पास सीक्वेंस ये दिया गया है और इस सीक्वेंस की हेल्प से आपको फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड आउट करने हैं, देन आप क्या कर रहे होंगे सबसे पहले n की वैल्यू आप 1 रख रहे होंगे कहां पर इसी सीक्वेंस में, तो जब 1 रखेंगे तो आपको मिलेगा a1 मींस फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन सीरीज 5 n की जगह 1+3 तो इस तरह से a1 आपको क्या मिला 5, 3, 8 एंड नाउ अगेन n इज इक्वल कितना रखेंगे 2 क्योंकि हमें फिफ्थ टर्म रखे हैं, तो जब यहां पर 2 रखेंगे तो आप देखिए कितना आएगा 5 × 2+3 सो डियर स्टूडेंट्स क्या हुआ है 5 × 2 = 10 और 3 = 30 एंड नाउ अगेन इफ वी पुट n इज इक्वल 3 देन a3 इज इक्वल 5 × 3+3 एंड नाउ इफ वी कैलकुलेट इट देन वी फाइंड इजली 15 × 3 = 18। ओके डियर स्टूडेंट्स एंड देखो अब यहां से तो आपके पास में तरीका आ चुका, आप ऐसे करते जाएं और या तो आप ऐसा कर ले कैसा कि भाई आपने देखा पहला टर्म 8 आया, दूसरा टर्म आपके पास 13 आया, तीसरा टर्म आपके पास 18 आया, तो 8 से 5 का डिफरेंस में 13 मिला, 13 से 5 के डिफरेंस में आपको 18 मिला, तो फिर अगले जो और दो टर्म होंगे वो भी सब कैसे होंगे 5-5 के डिफरेंस में, तो 18 और 5 = 23 और 23 और 5 कितना हुआ 28, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और यह 2 टाइम्स अगर और n इज इक्वल आप यहाँ पे 4 रख देते एंड n इज इक्वल फिर 5 रख देते आपको ये मिल जाता। ओके डियर फ्रेंड्स तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने यहाँ पर डिस्कस किया ये इंट्रोडक्शन पार्ट है आपका फर्स्ट लेक्चर, इसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया व्हाट आर द डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और सीक्वेंस एंड which type of sequence we easily write and how to find any term of the given series
and how we generalize the common difference of the given series, then easily we find the problem of this type of questions. Okay, so dear friends, I hope आपको ये बात समझ आई होगी, लेक्चर समझ आया होगा. तो इसमें जो इम्पोर्टेंट आपको लगे उनको जरूर नोट करें, नोट्स बनाएं. एंड सिमिलर इससे आने का जो सेकंड लेक्चर होगा उसमें मैं एनसीईआरटी बुक लूंगा और उससे वन बाय वन क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा. थैंक यू.